एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा, आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2022 का फाइनली आज करेक्शन पोर्टल आप सभी का खुल गया है। साथ ही आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक कर लिया होगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत ही जबरदस्त आ रही है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो यहां पर अभी तक मैंने जितनी भी वैकेंसी आई है उनके बारे में आपको बताया हुआ है, और अभी तक कितनी टोटल वैकेंसी हुई है, क्योंकि आज टोटल 4 डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, और ग्रेड सी में टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी हुई है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट लगातार पूछे कि सर टोटल वैकेंसी आपकी कितनी हुई है और आपके कितने और डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से स्टूडेंट्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स मिलेंगी। कोई भी क्वेरी हो तो @सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम पे सर्च करके पूछ सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस बार भी ग्रेड सी में टोटल 10 या 11 डिपार्टमेंट आप सभी के होने वाले हैं। अब यहां पर कितने डिपार्टमेंट से वैकेंसी ग्रेड सी में आई है, तो कैट में टोटल 12 वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ध्यान रखें कैट में इंग्लिश स्टेनोग्राफर का मांगते हैं, ठीक है। एमईए में आपकी टोटल 28 वैकेंसी की आई हुई है, इसमें आपका दोनों रहता है बोथ। सीबीआईसी में 76 वैकेंसी के लिए आया हुआ है, और डीईएचएस में आपकी एक वैकेंसी के लिए। तो टोटल 117 वैकेंसी के लिए आपका ग्रेड सी में अभी तक पता चला है। तो इनमें से डिपार्टमेंट कितने हैं, टोटल आपके 4 डिपार्टमेंट जो है वो आप सभी के अभी जिन्होंने वैकेंसी दी हुई है। तो अभी लगभग आपके 6 से 7 डिपार्टमेंट जो है वो आपके अवेटेड है। तो जो ग्रेड सी की आपकी वैकेंसी है आपकी बढ़कर आपके लगभग 170 प्लस वैकेंसी आप सभी की हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रेड डी के बारे में। तो ग्रेड डी में टोटल अगर देखा जाए तो लगभग आपका 9 या 10 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी दी हुई है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा है ध्यान से एक बार देख ले, क्योंकि कुछ नए डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आज पता चली है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कैट है, जिसमें आपकी 10 वैकेंसी है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए रहता है। एमईए में टोटल 44 वैकेंसी है, इनकम टैक्स में 546 सब पता होगा, डीओपीटी में 2 साल की 2021-2022 270 और 273 मिला के टोटल आपकी 223 मिला के टोटल 493 वैकेंसी डीओपीटी में है। सीजीडीए में 87 वैकेंसी आई हुई है, बीआरओ में आपकी 39 वैकेंसी आई हुई है, सीबीआईसी में 56 वैकेंसी आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपकी टोटल 17 वैकेंसी आई हुई है। कल पता चला था, कल मैंने वीडियो बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में टोटल आपकी 50 वैकेंसी आई हुई है, ये भी कल मैंने आपको बताया था, आज बताया सॉरी। फिर कोस्ट गार्ड में आपकी टोटल 5 वैकेंसी आई हुई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये वैकेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी टोटल 23 वैकेंसी आज पता चली है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 68 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है, डीजीएचएस में आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, हेल्थ एंड साइंस में आपका टोटल 10 वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग लगभग आपका 10 या 12 डिपार्टमेंट में आपका 11 डिपार्टमेंट आई थिंक है जहां पे वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट हुई है। तो टोटल ग्रेड डी में 1448 वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट हुई है। तो अगर इस तरीके से अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपका 1567 के करीब आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हुई है, 65 के करीब आपकी वैकेंसी जो है वो ग्रेड सी और ग्रेड डी को मिला के रिपोर्ट हुई है। तो ये तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ही डिपार्टमेंट की वैकेंसी मिला के है, और 1500 प्लस आपकी वैकेंसी चली गई है। अब इनमें से कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अभी वैकेंसी देंगे, तो ओवरऑल अगर आप 2020, 2019, 2018 देखोगे तो ग्रेड डी में मिनिमम आपके 29 डिपार्टमेंट तो होते ही होते हैं, ठीक है, लगभग 27 से 29 के बीच में आपके होते हैं। तो अभी लगभग आपके 11 या 12 डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, तो 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसी अभी भी आपकी अवेटेड है। और ग्रेड सी में मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस बार लगभग 10 से 11 डिपार्टमेंट रहेंगे, तो अभी आपके टोटल 4 डिपार्टमेंट ने वैकेंसी रिपोर्ट करी है, तो 6 से 7 डिपार्टमेंट आपके अभी भी बाकी हैं। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया था कि 2500 प्लस आप वैकेंसी आप सभी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके लगभग लगभग आपके जो वैकेंसी वो आपकी 1000 तो हर हाल में आप सबकी बढ़ जाएगी। अगर हर डिपार्टमेंट आपका मिनिमम अगर 50 वैकेंसी भी देता है तो आपका इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि 18 डिपार्टमेंट इंटू 50 तो लगभग 900 के आसपास वैकेंसी ये हो गई, और प्लस ग्रेड सी में तो ओवरऑल 2500 के आसपास टोटल वैकेंसी इस बार आपकी आने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आप अपनी मेहनत में लग जाओ। बाकी आपको टॉपिक वाइज आपको किस तरीके से आपको हर एक चीज को
कवर करना है, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, साथ ही जीएस में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ये सारी चीजों के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा स्ट्रेटेजी वाइज। तो ध्यान से आप सभी उन वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप @SarkariNaukriWaleBaba SARKARINUKRIVALEBABA में जाकर आप पूछ सकते हो। ओके।